वेलकम टू माई चैनल एंड आज हम करने वाले हैं Q&A विद माय मॉमी जान। सो आज मैं मम्मा से कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ एंड शील आंसर फॉर मी। तो उनको ये बताना है कि मुझे क्या पसंद आएगा या मैं होती तो क्या चूज करती। लेट्स सी हाउ वेल माय मॉम नोस मी। तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप उनका आंसर दोगे। कैसा लग रहा है? डर लग रहा है। नहीं नहीं डरो मत मम्मा, ऐसा कुछ वो नहीं है, बढ़िया मजे करने। व्हाट इज माय फेवरेट कलर? आई थिंक ब्लैक। कपड़े सही बोल रही मम्मा, ब्लैक इज माय फेवरेट कलर। आपको क्या लगता है मुझे क्या पसंद है, ऑल व्हाइट हाउसेस या फिर कलर्ड या वुडन वाले हाउसेस? वुडन हाउसेस आई लव वुडन हाउसेस। देख सकते हैं आप लोग ऊपर भी द सीलिंग। अगर मुझे कॉटन और सैटिन में से चूज करना होता तो मैं कौन सा कपड़ा चूज करती? डिफिकल्ट तो क्या मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ये एक कौन सी चीज़ है जो मैं अपनी हर साइड पे इम्प्लीमेंट करती ही हूँ कुछ भी हो जाए? हर साइड पे इम्प्लीमेंट ग्रीनरी होना चाहिए मेरे ख्याल से। सही बोल रहे हो, ग्रीनरी बिकॉज़ आई लव प्लांट्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे फ्लैट रूफ मतलब घर की छत फ्लैट ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर वो स्लोपिंग वाली जो माउंटेन्स में होती है? अपना घर तो तूने फ्लैट बनाया है पर मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को स्लोपिंग ज़्यादा पसंद है। यस आई लव स्लोपिंग रूफ। यस हाय मम्मा, मैं थोड़ा सा फन डे ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट कर रहे हैं आज। आपको क्या लगता है मम्मा कि मैं बीच पर्सन हूँ या माउंटेन पर्सन हूँ? हालांकि अभी तो हम हाइट में हैं पर आई थिंक यू लाइक बीचेस। मम्मा बाय बाय, रिश्ता खत्म। मम्मा आपको पता है मुझे लता कितना पसंद है, वो मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है। गोवा नहीं पसंद है? नहीं गोवा पसंद है पर लेह लद्दाख मतलब जान है यार। गाइस आई एम अ माउंटेन पर्सन, मम्मा ने रॉन्ग आंसर दिया बट कोई बात नहीं यार, उसमें क्या है, आपके साथ जहाँ भी जाओ सब अच्छा लगता है यार मम्मा, उसमें क्या है, आ जाओ। वेरी गुड। वो कौन सा एक रेस्टोरेंट है जो हम बचपन से जा रहे हैं और जो मुझे बहुत पसंद है और जो हम जब कभी भी शॉपिंग करने या कभी भी जाते हैं तो वहाँ जरूर जाते हैं? इंडियन कॉफी हाउस। यस। और हमें वहाँ पे क्या खाती हूँ मम्मा? डोसा, मसाला डोसा ऑलवेज और फिल्टर कॉफी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, आपको कब लगा कि मुझे आर्किटेक्चर करना चाहिए या मुझे इंटरेस्ट आ रहा है आर्किटेक्चर में? हाँ तुम फैशन डिजाइनिंग की बात करती थी, कि फैशन डिजाइनिंग तो ठीक है उसके लिए थोड़ी सिलाई कढ़ाई भी आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा तुमको ये इसमें इंटरेस्ट है। हाँ, मतलब मैं तो पेशेंस ही नहीं रख पाऊंगी मैं और ये सब में, तो मेरे को लगा कि तुम आर्किटेक्चर सजेस्ट कर रहा था। गाइस क्या मैंने सही किया, प्लीज कमेंट्स में बताइए। ऑल्सो मुझे आपसे एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बच्चे या फॉलोअर्स मेरे मुझे ऐसा बोलते हैं कि उनके मॉम डैड अलाउ नहीं कर रहे हैं आर्किटेक्चर करने के लिए क्योंकि उनको लगता है कि पैसा नहीं है वॉट एवर। तो आपको उस समय क्या लगा था जब मैंने बोला कि ठीक है मैं आर्किटेक्चर करना चाह रही हूँ? नहीं मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि जिसमें तुमको इंटरेस्ट है वो करना चाहिए, पैसा तो आ जाता है, आएगा भी पैसा शुरुआत में ठीक है, पर अपने इंटरेस्ट की चीज़ अगर आप करोगे और उसमें 100% दोगे, हार्ड वर्क करोगे तो पैसा तो आना ही है।
गाइस प्लीज़ अपने मम्मी पापाओं को ये दिखाइए एंड उनको बताइए कि अगर आप अपने इंटरेस्ट का कुछ भी करते हैं तो पैसा अपने आप आता है. राइट राइट Hi guys, finally I'm home and I hope इस vlog में थोड़ा मज़ा आया हो, थोड़ी सी information मिली हो, थोड़ा सा knowledge मिला हो and और vlogs देखने की इच्छा हुई हो. So I'll be back with another vlog next week. इस week के रहते ही and I'll be posting more vlogs, like I'll post a single vlog on every Tuesday of every week. So stay tuned for that. Please subscribe and share and like. Thank you so much and comment. Thank you so much.